नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। लॉकडाउन 3 में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो है शराब। केंद्र सरकार ने 2 और सप्ताह के लिए लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ही आर्थिक गतिविधियों को कुछ शर्तों के साथ इजाज़त दे दी है। इसमें सरकार ने शराब की दुकानें खोलने को भी आदेश जारी कर दिया है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण शराब की दुकानें न खुलने की वजह से राज्यों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार के नए आदेशों के बाद भी क्या अब शराब आसानी से उपलब्ध होगा या अभी भी कुछ प्रतिबंध होंगे? क्या अब भी शराब की दुकानों खुलेगी? क्या सभी शहरों में, कस्बों में, गाँव में शराब की दुकानें चलेंगी? यहाँ हम इन सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। कंटेनमेंट जोन यानी वो इलाका जहां कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिसे सील कर दिया गया है, वहां किसी तरह की व्यावसायिक गतिविधियों की छूट नहीं दी गई है। इसलिए कंटेनमेंट जोन में न तो शराब की दुकान खुलेगी, ना ही पान, गुटखा या तंबाकू मिलेगा। इसके अलावा रेड और ऑरेंज और ग्रीन जोन, तीनों जोन में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग व नियमों का पालन करना होगा। ग्रीन जोन यानी उन जिलों में जहां पिछले 21 दिनों में कोविड-19 का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। शॉपिंग मॉल में सभी जगह शराब की दुकानें नहीं खुलेगी, क्योंकि शॉपिंग मॉल बंद है। इसके अलावा सब जगहों पर शराब की दुकानें खुलेगी, यहां ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र पर लागू होगा। यही नियम ऑरेंज जोन वाले ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में लागू होंगे, लेकिन इस दौरान जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। रेड जोन में भी शराब की दुकानें खुलेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश में रेड जोन में शराब की दुकान खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि रेड जोन में सभी शराब स्टोर नहीं खुलेगी। MHA के सूत्रों ने कहा कि रेड जोन में केवल स्टैंड अलोन शराब स्टोर या कॉलोनी में स्थित शराब स्टोर खुल सकते हैं। बाजार परिसरों में स्थित शराब की दुकान बंद रहेगी। इसका मतलब यह है कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, जयपुर, इंदौर और हैदराबाद जैसे शहरों में जो सभी रेड जोन में है, यहाँ शराब की वे दुकानें ही खुलेगी जो मार्केट में नहीं होगी। हालांकि रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें को खोलने की अनुमति है। इस दौरान ग्राहकों को शराब की दुकानों से शराब लेते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इस दौरान लोगों को मास्क लगाकर रखना होगा, साथ ही कम से कम 2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी। इसके अलावा दुकान में एक बार में 5 से अधिक ग्राहक नहीं हो सकते। शराब बिक्री या छूट 4 मई से प्रभाव होगी, क्योंकि लॉकडाउन का तीसरा फेज 4 मई से शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।